नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। नाउ वी हैव सीन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल अलोंग विद इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। नाउ वी विल डू सम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। पेज नंबर 81। सो द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आर गिवेन दैट डिड डोबीरिनियस ट्राइड ऑल्सो एग्जिस्ट इन कॉलम्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव, कंपेयर एंड फाइंड आउट। सो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डोबीरिनियस ट्राइड क्या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्टिव में भी है। सो यस, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्टिव में भी है। यस, डोबीरिनियस ट्राइड इज नाउ ट्राइड, डोबीरिनियस ट्राइड दैट इज लीना के, LINAK, ऑल्सो एग्जिस्ट इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम लिथियम देन एर्थ एलिमेंट, जो भी एर्थ एलिमेंट होगा, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इज पोटाशियम, दैट इज सोडियम, एंड आफ्टर सोडियम जो नेक्स्ट एर्थ एलिमेंट है वो कौन सा होगा, इज नेक्स्ट एर्थ एलिमेंट इज पोटाशियम। सो देयर प्रॉपर्टी रिजेंबल्स, सो देयर प्रॉपर्टीज रिजेंबल्स एज पर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की हर एर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी अपने फर्स्ट एलिमेंट से सेम होती है। एज पर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, एंड देयर प्रॉपर्टी ऑल्सो रिजेंबल्स एज पर डोबीरिनियस एज इट वॉज सेलेक्टेड एज ट्रायर्स। ऑन अदर साइड देयर प्रॉपर्टीज ऑल्सो रिजेंबल्स, रिजेंबल्ड एज डोबीरिनर एज पर डोबीरिनर्स ट्राइड, बिकॉज डोबीरिनर हैज सेलेक्टेड दीज थ्री एलिमेंट्स इन हिज ट्राइड। थ्री ट्राइड बनाए थे, उसमें ये भी एक था। एज पर डोबीरिनर एज ही सेलेक्टेड देम फॉर ट्रायड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वॉट वर द लिमिटेशंस ऑफ डोबिरीनर्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उनकी क्या कमियां थी, इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं. सो वॉट वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, दैट वर ऑल्सो डिस्कस्ड. तो इन दोनों चीजों को, कि लिमिटेशंस ऑफ डोबिरीनर क्लासिफिकेशन एंड लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 85, फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट. सो दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो, कि पोटाशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड बेरियम के ऑक्साइड्स के क्या फार्मूले होंगे. तो हमने उनकी वैलेंसी और उनके कैटाइनिक और एनायनिक बिहेवियर पर उनका ग्रुप डिसाइड किया, एंड ऑन दैट बेसिस द फार्मूला ऑफ ऑक्साइड्स वर प्रिडिक्टेड. सेकेंड क्वेश्चन इज, बिसाइड्स गैलियम विच अदर एलिमेंट्स हैव सिंस बीन डिस्कवर्ड दैट वर लेफ्ट बाई मेंडेलीव्स इन हिज पीरियोडिक टेबल. सो गैलियम को डिस्कवर किया, जो कि उन्होंने बताया था एका एल्यूमिनियम. सो और कौन कौन से एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए. सो सेकेंड क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया था कि सबके ऑक्साइड्स के फार्मूले क्या क्या थे. नाउ बिसाइड्स गैलियम, जर्मेनियम एंड स्कैंडियम, स्कैंडियम एंड जर्मेनियम हैव सिंस बीन डिस्कवर्ड. Discovered whose respective places were left by Mendeleev, whose slots were left by Mendeleev in his table, predicting their properties, their formula of oxide, chlorides and hydrides, predicting their properties, forecast कर दिया था, forecasting their properties along with फॉर्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स, ये सब बता दिया था. एंड नेमिंग देम, स्कैंडियम को क्या नेम दिया था, जैसे कि स्कैंडियम एंड जर्मेनियम है. सो बस्सी, अलगा, एल्यूमिनियम जैसे गैलियम और सी जे, एंड नेमिंग देम एज एका बोरॉन, बोरॉन हो गया स्कैंडियम की तरह, एंड एका सिलिकॉन रिस्पेक्टिवली. सो इस तरीके से उन्होंने उनका नाम दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन, वॉट वर द क्राइटेरिया यूज बाई मेंडेलीव इन क्रिएटिंग पीरियोडिक टेबल. तो वॉट वर द क्राइटेरिया जिसको कि पीरियोडिक टेबल बनाते समय मेंडेलीव ने यूज किया. सो मेंडेलीव यूज टू क्राइटेरियाज इन क्रिएटिंग पीरियोडिक टेबल. सो
दो क्या क्या क्राइटेरिया यूज किए गए? यूज्ड इन क्रिएटिंग पीरियोडिक टेबल जो अपनी आवर्त सारणी उन्होंने बनाई उसमें दो क्राइटेरिया यूज किए गए. फर्स्ट इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. सो इट वाज इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. And also he has given emphasis to grouping together elements having similar chemical properties. जिनकी similar chemical properties थी उनको एक group में रखा गया. Grouping together elements having सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. सो दीज टू क्राइटेरियाज वर यूज बाई मेंडलीव्स. फोर्थ क्वेश्चन इज वाई नोबल गैस वर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप, ये भी पूछा जा रहा है. सो वाई डू यू थिंक द नोबल गैसेज वेन डिस्कवर्ड वर प्लेस्ड इन ए सेपरेट ग्रुप? सो नोबल गैसेज आर इनर्ट, केमिकली इनर्ट इन नेचर. उनकी ऑक्टेट या डुप्लेट पूरी होती है तो उनको किसी से रिएक्शन नहीं करना है. आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो नोबल गैसेस हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल. So they are chemically inert in nature. वो ऑक्साइड या सल्फाइड या क्लोराइड या हाइड्राइड कुछ भी नहीं बनाते हैं. दे एग्जिस्ट इन नेचर इन फ्री स्टेट इन मोनो एटॉमिक फॉर्म. इवन वो डाई एटॉमिक फॉर्म में भी नहीं होते हैं. हीलियम एच ई के तौर पर सिंगल एटम होगा. नियॉन भी इसी तरह से सिंगल एटम होगा. दे एग्जिस्ट इन नेचर इन फ्री स्टेट एज मोनो एटॉमिक गैसियस फॉर्म. देयर वैलेंसी इज जीरो. उनकी वैलेंसी भी जीरो है. किसी से कंबाइन ही नहीं करते हैं. वैलेंसी इज जीरो. सो दे आर केप्ट इन ए सेपरेट ग्रुप दैट इज जीरो वर्थ ग्रुप. जैसी वैलेंसी वहां रख दिया जाएगा. सो दीज आर केप्ट इन ए सेपरेट ग्रुप. जब ये सब एक जैसे हैं तो इनको किसी के साथ रखा, ये किसी के साथ रिजेंबल नहीं करते. सो दीज आर केप्ट इन ए सेपरेट ग्रुप. दैट इज जीरोथ ग्रुप. इसीलिए उनको अलग ग्रुप में रखा गया है. नाउ मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस. आउट ऑफ केओस तो सब बिखरा हुआ था. केओस का मतलब बिखरा हुआ था. द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. Now,
इट वॉज नाउ वेल एस्टेब्लिश दैट एटॉमिक मास इज नॉट द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज एज वी हैव सीन दैट देयर आर वेरियस आइसोटोप्स ऑफ एवरी एलिमेंट सो बट दोज ऑल आइसोटोप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस पर देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम सो एटॉमिक मास तो आइसोटोप्स का बढ़ता चला जाता है बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है हाइड्रोजन के केस में जैसा हमने देखा. तो इसलिए इट इज़ नॉट द डिटरमाइनिंग फैक्टर. एंड इट वॉज ऑल्सो सीन बाई हेनरी मोजले जब उन्होंने ये बात देखी कि अगर एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है और एटॉमिक रेडियस, तो उन्होंने दो चीज ली, एक एटॉमिक रेडियस लिया और एटॉमिक नंबर लिया. एटॉमिक रेडियस, सो एटॉमिक रेडियस ले लिया एंड एटॉमिक नंबर, और इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ किया. तो जब उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया हाइड्रोजन से, सो धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने देखा तो हाइड्रोजन से चलते समय नीचे चलने पर हाइड्रोजन ह ली ना के रब सी एस, तो ऐसे धीरे धीरे उनका जो रेडियस वो बढ़ता गया और एफ आर. फिर उसके बाद अचानक जो रेडियस है ये अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, धीरे धीरे इनका रेडियस नीचे चलने पर उन्होंने देखा कि बढ़ता चला गया. फिर उसके बाद रेडियस अचानक जो नेक्स्ट है डाउन हो गया, यानी अगर हम नीचे चलेंगे तो धीरे धीरे एटॉमिक मास के बढ़ने पर ये रेडियस बढ़ता चला जाता है, डाउन होता है. तो इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, तो क्या देखा गया, इस तरीके से देखें कि इसको थोड़ा सा और नाउ व्हाट वॉज सीन बाई हेनरी मोजले. हेनरी मोजले हैज सीन, अगर हम अलोंग द टेबल जाएं तो जैसे हमें मालूम है हा ही लीबे बकनॉफ नीना मगालसी पी एस कलर के का, तो आगे जब हम बढ़ते चले जाएंगे दैट इज टेबल में 1 नंबर से लेकर 21, 2, 3, 4 से एटॉमिक नंबर में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो उनका एटॉमिक रेडियस क्या होता है अलोंग द, इस तरीके से बढ़ते चले जाएं अलोंग द पीरियड, तो धीरे धीरे उनका एटॉमिक नंबर कम होता चला जाएगा. और फिर कम होने के बाद जैसे कि यहां पर ली बे बक नॉफ ऐसे आगे बढ़ गए तो उनका ये कम हो गया. फिर उसके बाद सडनली देयर एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, फिर बढ़ गया. फिर उसके बाद हीलियम भी आ गया. लीबे बकनॉफ नीना मगालसी दैट इज नियॉन, सो नियॉन. फिर उसके बाद फिर सोडियम का सबसे ज्यादा, लिथियम से ज्यादा. फिर तो फिर धीरे 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 फिर कम होने लगता है. फिर यहां पर इसी तरीके से हीलियम का यहां पर होगा हीलियम, और फिर यहां पर होगा हाइड्रोजन का, इस तरीके से चलता है. तो हा ही ली बे बकनॉफ नी ना मग आल सी पी एस कल अर, फिर यहां तक ए आर का आ जाएगा, फिर ये बढ़ेगा और सडनली बढ़ के अब इसके बाद क्या होगा, पोटेशियम का आ जाएगा. तो लिथियम से ज्यादा पोटेशियम, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है पोटेशियम, फिर उसके सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर धीरे धीरे आगे चलोगे तो यहां पर नीचे भी बढ़ रहा है. दैट इज सब एटॉमिक रेडियस हीलियम का, हीलियम से ज्यादा नियॉन का और नियॉन से ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसका है, आर्गन का. तो नीचे में भी बढ़ रहा है, ये हीलियम का है.
हीलियम से ज्यादा नियॉन का और नियॉन से ज्यादा आर्गन का ऐसे बोल रहा है। पी एस कलर के का, फिर स्कटी विक्रमन फे को निकुजन ऐसे देखा गया। फिर और आगे बढ़ते चले गए तो ये बढ़ता चला गया, तो उन्होंने देखा कि एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक नंबर से लीनियर ग्राफ आ रहा है। हेनरी मोजले हैज ऑब्जर्व कि अगर हम एटॉमिक रेडियस का देखें तो पीरियोडिसिटी एटॉमिक रेडियस भी पीरियोडिसिटी है कि धीरे धीरे एटॉमिक रेडियस फिर से बढ़ जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर बढ़ जाता है। तो पी एस ली ना के रब, या फिर आर भी आ जाएगा, तो कुछ एलिमेंट्स के बाद वो फिर बढ़ जाता है। इसी तरीके से ही नियर कर और फिर जेरॉन आ जाएगा तो बढ़ता चला जाएगा। तो ही नियर कर जे रॉन इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। और यहाँ पर ली ना के रब सी एस। सो हेनरी मोजले ने क्या देखा? हेनरी मोजले हैज ऑब्जर्व दैट और ऐसा ही नहीं कि उन्होंने एटॉमिक रेडियस देखा हो, उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम देखा, डेंसिटी देखा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब कुछ लीनियर है। एटॉमिक नंबर के साथ जब उसका ग्राफ बनाया गया तो लीनियर पाया गया, और एटॉमिक मास के साथ उसका कर्विकल है, यानी उसका कोई रिलेशन ही नहीं बन पा रहा था। सो हेनरी मोजले हैज ऑब्जर्व, यहाँ धीरे धीरे 1, 2, 3, 4 से लेकर एटॉमिक नंबर बढ़ते बढ़ते चलता चला जाता, ये 120 तक आ गया सारा लास्ट तक। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ ही हैज ऑब्जर्व, हेनरी मोजले हैज ऑब्जर्व दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर लीनियरली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर एंड नॉट टू एटॉमिक मासेस, दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर लीनियरली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के लीनियरली प्रोपोर्शनल पाया गया एंड नॉट लीनियरली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। व्हेन ही ड्रू ग्राफ बिटवीन एटॉमिक रेडियस एट डेंसिटी ऑफ एटम्स, तो इन सभी चीजों को देखा गया। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब का ग्राफ ड्रॉ किया गया वर्सेस, किसके वर्सेस? एटॉमिक नंबर। देन देयर ग्राफ वर फाउंड लीनियर। जैसे लीनियर का क्या मतलब है कि वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो जब हम वी और आई का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तो वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगी। हम अगर आप छोटा सेल लगाओगे तो थोड़ी करंट, और 12 वोल्ट लगा दोगे और करंट, और 220 वोल्ट मेंस और सप्लाई जोड़ दोगे तो बहुत ज्यादा करंट। तो ये ओम्स लॉ था, तो उसमें ये बात बताई गई वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगी। तो यही चीज इन्होंने यहां देख ली कि अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज लीनियरली आ रहा है। तो लीनियर ग्राफ शो करता है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड डिपेंडेंट टू ईच अदर। यहाँ पर इन्होंने भी वही बात बताई। और अगर यहाँ मैं एटॉमिक मास का लिखूँ तो लीनियर नहीं आता था, वो कर्व में आता था। तो ये बात इन्होंने देखी, वर फाउंड लीनियर, इसके साथ लीनियर आता था और बट एटॉमिक मास के साथ नहीं आता था। सो एटॉमिक नंबर इज प्राइम डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स,
तत्वों के गुणधर्मों का निर्धारक तत्व परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार। एटॉमिक मास डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है, एटॉमिक नंबर डिटरमाइनिंग। सो ही कंक्लूडेड दैट, उन्होंने ये बात जान ली कि एटॉमिक नंबर इज द की पॉइंट, दैट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड नॉट द एटॉमिक मास। तो उन्होंने ये जान लिया कि एटॉमिक मास नहीं है, इसी वजह से सारी एनोमली आ रही हैं। सो ही हैज प्रोजेक्टेड अ न्यू पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। सो ही हैज प्रोजेक्टेड अ न्यू पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अगर किसी में वन प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर वन है, फिर टू प्रोटॉन है तो टू है, और जो 120 तक पहुंच जाओगे, टोटल 120 एलिमेंट्स हैं इस पूरे यूनिवर्स में, तो उसका एटॉमिक नंबर 120 है। सीरियली वन से लेकर 120 तक उनका एटॉमिक नंबर है। तो उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिया, प्रोजेक्टेड ए पीरियोडिक टेबल इन ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एंड फाउंड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिकली रिपीटेड। और ये देखा गया कि जब ऐसा करने से पीरियोडिकली रिपीट हो रही है प्रॉपर्टीज, एंड ऑल एनोमलीज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वर रिमूव्ड एंड फाउंड दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिकली रिपीटेड। सो उन्होंने ये बात पाई कि जो प्रॉपर्टीज हैं दीज वर पीरियोडिकली रिपीटेड। ये है तो पीरियोडिकली रिपीट हो रही है। ही प्रोजेक्टेड हिज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सो मोजले प्रपोज्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ अलोंग विद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो वॉट एवर पीरियोडिक टेबल वी आर यूजिंग इज ऑन दिस इज ओनली मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इट इज बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सो मोजले हैज सजेस्टेड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इन विच ही स्टेटेड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर। सो ये बात कही गई, थोड़ा चेंज किया, बट एटॉमिक मास था वहां एटॉमिक नंबर कर दिया। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जैसे कि हम ये देख लें कि अर्थ की पोजीशन सन के कॉन्टेक्स्ट में अगर टाइम बीतता जाए तो 365 डेज बाद वहीं आ जाती है। सो पोजीशन ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम।
टाइम बढ़ता चला जाता है तो 365 डेज बाद फिर वहीं आ जाती है, फिर 365 डेज। सो पोजिशन ऑफ अर्थ इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। इफ टाइम इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग देन पोजिशन ऑफ अर्थ इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, इज सेम अगेन एंड अगेन। सो वही चीज है, यदि समय का चक्र बढ़ता चला जाए तो धरती की स्थिति बार बार फिर से उसकी पुनरावृत्ति होती है। इसी तरीके से यहाँ, इफ एटॉमिक नंबर इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग देन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो वही चीज कही गई है, जैसे यहाँ बोला जाए कि पोजिशन ऑफ अर्थ इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम, तो पोजिशन ऑफ एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। दैट मीन्स इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, देन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। एलिमेंट्स आर पीरियोडिकली रिपीटेड, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड। सो ये चीज इन्होंने बताई, दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एंड ही प्रोजेक्टेड हिज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हेनरी मोजले हैज प्रोजेक्टेड हिज टेबल विथ सम सेलियंट फीचर्स। तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, सो प्रॉपर्टीज देखिए, सेलियंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जैसे पहले था वैसे ही इस बार भी इन्होंने किया। ही हैज टेकन 18 वर्टिकल कॉलम्स, सो ही हैज टेकन 18 वर्टिकल कॉलम्स एंड कॉल्ड देम ग्रुप्स, उनको ग्रुप बोला, एंड नंबर्ड देम ऑन अरेबिक सिस्टम। फ्रॉम 1 to 18 उन्होंने उसमें 18 वर्टिकल कॉलम लिए और उसकी नंबरिंग कर ली। द नंबरिंग वॉज डन, जैसे यहां पर लिया, सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे करके इन्होंने ये लिए ये सारे कॉलम्स। तो ये 18 है और इसकी नंबरिंग कर दी अरेबिक सिस्टम के बेसिस पर। तो कैसे नंबरिंग की, सो द नंबरिंग वॉज डन 1 2 3 4, ये थर्ड ग्रुप है, ये फोर्थ ग्रुप है, ऐसे चलेगा 5 6 7 8 9 10 11 12, ये ट्वेल्थ ग्रुप है, ऐसे वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल में कॉलम कहते हैं, इसको रो कहते हैं।
सो ये 12th ग्रुप है. नाउ नेक्स्ट इज 13, 14, 15, 16, 17, 18. सो टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स लिए गए, यानी 18 ग्रुप्स थे. उनकी पीरियोडिक टेबल में देयर वर 18 ग्रुप्स. नेक्स्ट इज 18 वर्टिकल कॉलम्स ले लिए. नेक्स्ट इज हॉरिजेंटल रोज, तो उन्होंने कुछ हॉरिजेंटल रोज भी ली. सो टेबल कंसिस्ट ऑफ सेवन हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड, उनको पीरियड कहा गया. सो हॉरिजेंटल रोज वर कॉल्ड एज पीरियड. नाउ सो दीज वर कॉल्ड पीरियड्स एंड नंबर्ड एज अरेबिक सिस्टम. सो इनको भी अरेबिक सिस्टम में किया. फिर फ्रॉम 1 to 7, तो 1 to 7 नंबरिंग की गई और इन्होंने बोला ये पीरियड है. तो ऊपर वाले को जो ऊपर से नीचे आते हैं उनको ग्रुप कहा, और जो ऐसे चलते हैं उनको पीरियड कहा. जैसे कि यहां पर, तो इसमें ये जो फर्स्ट है इधर से इधर, तो वो फर्स्ट पीरियड हो गया. फिर इसके बाद ये सेकंड हो जाएगा, दिस इज सेकंड पीरियड, दिस इज थर्ड पीरियड, दिस इज फोर्थ पीरियड, फोर्थ ये चल रहा है, दिस इज फिफ्थ पीरियड, फिफ्थ ऐसे चलेगा, सिक्स्थ पीरियड है, एंड दिस इज सेवेंथ पीरियड, सेवेंथ पीरियड. नाउ थर्ड पीरियड में देयर वर ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उन्होंने थर्ड पीरियड में ज्यादा, थर्ड पीरियड में सिक्स, ये देखो सिक्स्थ पीरियड है और ये थर्ड ग्रुप, तो यहां पर हियर एंड हियर देयर वर 14 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स. जब यहां से सजाते हैं तो इसके बाद यहीं से एक एलिमेंट इसमें आएगा, फिर 14 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आएंगे जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती है, तो उसको अलग से लगा दिया, नहीं तो ये अननेसेसरी लेंदी हो जाती. तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये वाला सिक्स्थ पीरियड है, और थर्ड ग्रुप, ये सारे थर्ड ग्रुप के हैं, ये सब थर्ड ग्रुप हैं. तो ये वाला किसमें हुआ, थर्ड ग्रुप, और ये वाली लाइन हो जाएगी सिक्स्थ पीरियड. तो ये सारे एलिमेंट थर्ड ग्रुप के हैं, या तो ऐसे लगाने पड़ते छोटे 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 छोटे, लेकिन उतना करने पे फिर ठीक नहीं लगता, तो उन्होंने थर्ड ग्रुप सिक्स पीरियड यहाँ लिया. ये भी थर्ड ग्रुप में है, थर्ड ग्रुप में ये भी आएंगे, ये वाले, ये तो, बट सेवेंथ पीरियड. सो दिस इज थर्ड ग्रुप एंड सेवेंथ पीरियड. अब जरा देखो, तो ये जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, सो इस पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो क्या क्या चीजें दिखने में आ रही हैं. नाउ दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ, तो इस टेबल में यहां पर अगर आप देखोगे, नाउ दिस इज फर्स्ट पीरियड. फर्स्ट पीरियड कंटेन्स ओनली टू एलिमेंट्स, वन एंड टू, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम. सेकेंड पीरियड, ये वेरी शॉर्ट पीरियड है, इसमें सिर्फ टू एलिमेंट्स हैं. आप ऐसे चलोगे तो पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन ही पीरियड हैं. ये सारे एलिमेंट अगर यहाँ छोटे छोटे करके यहाँ रख दो तो यहाँ आ जाएंगे, ये सब थर्ड में है. इनको बिल्कुल छोटा छोटा माइक्रोस्कोपिक कर दो तो सब ये यहाँ आ जाएंगे. सो आपके पास सेवन पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में टू एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड में एट एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड में एट एलिमेंट्स, वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, फिफ्थ
फिर फोर्थ पीरियड में जरा काउंट करो तो 18 एलिमेंट्स, फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स, सिक्स पीरियड में 18 ये और 14 ये, 32 एलिमेंट्स, ये लॉन्ग पीरियड है। और सेवेंथ पीरियड में, सेवेंथ में भी 32, क्योंकि 18 तो ये हो गए और ये सब यहाँ आएंगे, तो इसलिए डिफरेंट पीरियड्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, फिर इसके बाद ये मीडियम लेंथ पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। तो इस तरीके से ये टोटल सेवन पीरियड्स हो गए। नाउ फर्स्ट पीरियड कंटेन्स टू एलिमेंट्स, दैट इज वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकेंड पीरियड कंटेन्स एट एलिमेंट्स, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड में एट एलिमेंट्स हैं, तो इनको बोला जाता है शॉर्ट पीरियड। नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कंटेन्स 18 एलिमेंट्स, दैट इज मीडियम पीरियड। ठीक है, मीडियम ना बोल के इनको लॉन्ग पीरियड्स बोलिए, दैट इज लॉन्ग पीरियड, और फिर उसके बाद वेरी लॉन्ग पीरियड। सो दीज आर लॉन्ग पीरियड, और फिर सिक्स्थ एंड सेवेंथ पीरियड कंटेन्स 32 एलिमेंट्स। 32 एलिमेंट्स का मतलब 18 और 14 नीचे लिखे गए हैं, सो दैट टेबल का साइज बना रहे। सो इसको कहेंगे वेरी लॉन्ग पीरियड्स। सो देयर आर टोटल सेवन पीरियड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर सिमिलर ग्रुप वाइज, किसी ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है। सो सारी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज केमिकल हो या फिजिकल हो, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर सिमिलर ग्रुप वाइज, ग्रुप वाइज सिमिलर किसी भी ग्रुप में। दैट मीन्स इन फर्स्ट ग्रुप वॉट एवर एलिमेंट्स आर देयर, दे आर नोन एज फर्स्ट ग्रुप फैमिली, और उनकी सबकी एक जैसी प्रॉपर्टी होगी। तो ये पूरे एक परिवार के सदस्य हैं, टोटल 18 परिवार हैं, पहला परिवार, दूसरा परिवार, 18 फैमिली हैं। तो एक फैमिली में रहने वाले सब लोग एक जैसा खाएंगे पिएंगे, एक जैसा उनका नेचर होगा, सोचने का तरीका होगा। सो इट इज फर्स्ट ग्रुप। इन सब की प्रॉपर्टी हा लीना केरब सीएसफर बेमग कासर बारा। इसी तरीके से हम जो भी प्रॉपर्टीज देखेंगे, इसी तरीके से आप बाल गाइन टीएल कसी गेसन पीबी नपी आस सब भी आई, ये एक चैप्टर है। जब 11th में जाओगे तो ये एक चैप्टर हो जाएगा। ओ ससी टीपो फूटे कुल्हड़ बरात आई हीनियर कर जेरान, तो ये डिफरेंट चैप्टर्स हैं पूरी केमिस्ट्री में, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर सिमिलर ग्रुप वाइज, किसी भी ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर हैं। नाउ लेट अस फिल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की, कैसे कैसे अब इसे फिल करें, तो उसके बाद फिर हम और इसके फीचर्स देखेंगे। सो सबसे पहला है फर्स्ट ग्रुप, तो उसका निमोनिक्स क्या है, दैट इज हलीना के रब सी एस फर, तो हा ली ना के रब सी एस फर, इसका मतलब है हलीना के भगवान सी एस फर हैं, हलीना के रब सी एस फर। तो ये एक फैमिली है, हमें याद भी ऐसे करना है, हमें ऐसे नहीं याद करना है हा ही लीबे बकनौफ नीना मगालसी,
क्योंकि वो एक चैप्टर नहीं होगा, चैप्टर का नाम यही है, चैप्टर के एलिमेंट्स यही है, इन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, तो इसी की प्रॉपर्टीज, हमें प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सवालों के उत्तर भी देने हैं, तो ये याद करने का सही तरीका है। हा ली ना के रब सी एस फर, इन सबको पानी में डालो आग लगेगी। हमने आपको दिखाया था लिथियम सोडियम पोटेशियम दिखाया था, फ्रांशियम देख लिया था उसी फैमिली का, कैसे आग लगती है, दे आर हाईली रिएक्टिव एल्कली मेटल, सब एक जैसे हैं, सो इसलिए इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है। इन वाटर इट इजिली कैचेस फायर एंड गिव एक्सप्लोसिव रिएक्शन। तो पहला हमने क्या देखा ग्रुप, हलीना केरब सी एस फर। अब सेकेंड ग्रुप देखो, बेमग कासर बारा, बेमग का सर, बेमग के 12 सर हैं, बेमग का सर 12, एंड इट एग्जैक्टली गोज एज पर निमोनिक्स। एक भी वर्ड इसमें फालतू का नहीं है, एक भी मात्रा फालतू की नहीं है। बेमग का सर 12, सो बे मग का, ये एक चैप्टर होगा, तो जैसे ही 11th में जाओगे दूसरा चैप्टर हो जाएगा, बेमग का सर 12। अब इसके बाद सीधा आते हैं, क्योंकि ये सब जो भी एलिमेंट्स हैं ये टिपिकल एलिमेंट्स हैं नेचर में, तो ये उतने वैसे नहीं हैं, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनकी वेरिएबल वैलेंसी ये सब टिपिकल हैं, फिक्स्ड वैलेंसी वाले, तो सबसे पहले फिक्स्ड वैलेंसी वाले को पढ़ें। तो 13th ग्रुप में क्या आएगा, सेकेंड के बाद अब 13th भरो, तो बाल गाइन टीएल, दैट इज बाल गाइन, जिस जो बाल है उन्होंने कोई गीत गाया, छोटे बच्चों ने, बाल गाइन टीएल, सो बी एल जी ए आई एन टी एल, सो यहां आ जाएगा बाल गाइन टीएल, बाल गाइन टीएल हो गया, ये 13th ग्रुप हो गया। 14th ग्रुप क्या हो जाएगा, 14th ग्रुप हो जाएगा यहां पे, दैट इज कसी गेसन पीबी, कसी गेसन पीबी, क सी गेसन पीबी, सो ये यहां भर दें, कसी गेसन पीबी, कसी गे सन पीबी। 15th ग्रुप, न पी आस, यानी आस को मत पियो, न पी आस सब बी आई, तो न पी आस सब बी आई, अब इनके नाम भी देखेंगे, तो न पी आस सब बी आई, केमिस्ट्री में अगर आपको इंटर करना है तो पीरियोडिक टेबल का हर मेंबर किस किस घर में रहता है, कहाँ कहाँ उसका घर है, प्लॉट नंबर क्या है, मकान नंबर क्या है, पीरियड नंबर क्या है, ग्रुप नंबर क्या है, जिसने ये जान लिया उसके केमिस्ट्री में हमेशा 100 मार्क्स हैं। तो पीरियोडिक टेबल पर ही इट इज प्रोमिनेंट फ्रॉम 11th ऑनवर्ड्स, तो इसलिए पीरियोडिक टेबल हर जगह बिकती है और हर जगह टांगी जाती है, सो इट इज टिकट टू एंटर इन केमिस्ट्री सिलेबस, इट इज सो प्रोमिनेंट। चांदनी चौक में भी पीरियोडिक टेबल ही बिकती है, उसके कैलेंडर चले जाइए दिल्ली में तो यही बिकती है, एक तो ह्यूमन जीनोम चार्ट बिकता है और पीरियोडिक टेबल, इट इज सो इम्पॉर्टेंट, सो बेसिक, सो एलिमेंटल। तो न पी आस सब बी आई, कौन सा एलिमेंट कहाँ है, इतना जानते ही हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज जान जाते हैं, इट इज सो इम्पॉर्टेंट एंड सो यूजफुल। ओ ससी टीपो, ओ ससी टीपो, तो 16th ग्रुप, ओ ससी टीपो, तो यहां लिख लें, ओ
शशि, टीपू। नेक्स्ट इज 17th ग्रुप, फूटे कुल्हड़ बरात आई, फूटे कुल्हड़ बरात आई, बरात आई एट मतलब किसी के घर पर आई हो, तो एफ सी एल बी आर आई एट। सो एफ सी एल बी आर आई एट अस्टाटीन, नाम बाद में देख लेंगे। फिर 18th ग्रुप का क्या है? सो 18th ग्रुप है हीनियर करजेरॉन, दैट इज हीनियर करजेरॉन। सो हीनियर करजेरॉन, हीनियर करजेरॉन, तो इसलिए ही नियर कर जे जेरन भी लिख सकते हैं अगर आपको ही नियर कर जेरन, तो उसमें फिर ये मात्रा नहीं है कोई भी, ही नियर कर जेरन। सो आर एन ये हो गया। तो इनकी प्रॉपर्टी ये सारी नोबल गैस है, नोबल गैस एक्सट्रीम एंड पर हैं, फिर ये नॉन मेटल्स हैं, फिर इसके बाद इधर सारे मेटल्स हैं। अब हम ये देखते हैं ये जो बीच के एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज ऐसे ऐसे चलती है, इन सब की ऐसे ऐसे चलती है, ये चार चैप्टर ऐसे ऐसे चलते हैं। तो ये जो चार चैप्टर ऐसे चलेंगे तो इनको हम ऐसे याद करेंगे, क्योंकि एक फैमिली के मेंबर्स को एक जैसे याद रखना है, तो इसको ऐसे ये ऐसे, यानी कौन सा ग्रुप हुआ? फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स ग्रुप और सेवेंथ ग्रुप, 3 से लेकर 12 तक, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनकी सबकी वेरिएबल वैलेंसी है, सब कलर्ड साल्ट देते हैं और सब एलॉय बनाते हैं, यही सब इनके प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले हम इस ग्रुप को देखते हैं जो एक चैप्टर है, दैट इज स्कटी विक्रमन फेको निकुजन 19th, स्कटी विक्रमन फेको निकुजन। तो वास्तव में ये जो चीज है ये 19th नहीं है, ये एक तरीके का फोर्थ ग्रुप है, तो फोर्थ पीरियड है, बाकी ग्रुप तो अलग अलग हैं। नाउ दैट इज स्कटी विक्रमन फेको निकुजन। स्कटी विक्रमन से कहा जा रहा है कि निकुजन को फेंक दो, दैट इज स्कटी विक्रमन फेको निकुजन, ये फेको निकुजन। तो ये हमने देखा कि दिस इज फोर्थ पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है। अब फिफ्थ पीरियड देखो, फिफ्थ पीरियड में इसको कैसे भरेंगे? नाउ इट इज वाइजर नबी मॉट क्रूर एचपी डार्क सीडी, ऐसे। तो वाइजर नबी मॉट क्रूर एचपी डार्क सीडी, वाइजर नबी मॉट एमओटी मॉट, फिर क्रूर में से सी यहां लगा दो और आर यू ऐसे, फिर आर मॉट क्रूर एच यहां लगा दो,
और दाग, सी डी, वाई जर नबी मौत क्रूर एच पी दाग सी डी। तो वाई जर नबी मौत क्रूर एच पी दाग सी डी, ये हो गया। नेक्स्ट इज, ये तो फिफ्थ पीरियड हो गया, तो फिफ्थ पीरियड सिक्स्थ देखिए। सिक्स्थ है ला हफ्ता वरी ओशीर, पटाऊ एच जी। नाउ ला हफ्ता वरी ओ सीर, ओ सीर है तो ये वाला सा रहेगा ओ सीर, वरी ओ सीर पटाऊ एच जी। सो ला हफ्ता वरी ओ सीर पटाऊ एच जी, ये एक अलग चैप्टर होगा। ला हफ्ता वरी ओसीर पटाऊ एच जी, ये हो गया। नेक्स्ट इज अकरफ डूबा सगे भाई हंस मत, दैट इज सेवेंथ होगा। अकरफ डूबा सगे भाई हंस मत देश राग कन, देश राग कन। अकरफ डूबा सगे भाई हंस मत देश राग कन, देखो अक रफ डूबा सगे भाई हंस मत देश राग कन, ऐसा। तो अक रफ डूबा सगे भाई हंस मत देश राग कन। सो दीज वर द एलिमेंट्स, सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिसकी की निमोनिक्स आप तैयार कर लें। बाकी जो नीचे के एलिमेंट्स हैं दैट विल बी टोल्ड एंड एक्सप्लेन्ड इन नेक्स्ट टेबल। सो एवरी सीक्रेट इज हिडन इन पीरियोडिक टेबल ओनली, सो विथ फुल जेन्यून इफर्ट वी हैव टू प्रिपेयर इट फॉर ऑनवर्ड स्टडीज। इस क्लास के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।